डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास 5। स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। स्टूडेंट द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड द यूनिट 9 द विलेज हेडमैन एंड डिड सम एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट एंड एसे कायदे आज़म। ओके ओके, कम टू पेज नंबर 82, एक्सरसाइज सी। राइट 6 सेंटेंसेस यूजिंग सिंस एज इन द अबव एग्जांपल। लुक एट दिस एग्जांपल, अबव में मेंशन है सिंस, वी यूज सिंस टू मीन एज, सिंस ही इज हॉनेस्ट आई शुड ट्रस्ट हिम। स्टूडेंट्स आपने सिंस को यूज करके 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। लुक एट दिस, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस येस्टरडे। We have been waiting for you since 10 o'clock. I have been here since Monday. इसी तरह ये 6 sentences बने हुए हैं, आपने 6 sentences बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज डी है। राइट 6 sentences ऑफ योर ओन यूजिंग मस्ट हैव एज इन द अबव एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स ये आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, ही लुक ट्राइड, ही मस्ट हैव वर्कड हार्ड। स्टूडेंट्स आपने जिस तरह अबव में हमने सिंस यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए हैं, इसी तरह आपने मस्ट हैव यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट वन इज ही लुक्स ट्राइड, ही मस्ट हैव वर्कड हार्ड। तो इस सेंटेंस में हमने मस्ट हैव यूज़ किया है। इसी तरह आपने जिस तरह अबव में 6 सेंटेंसेस सिंस यूज करके बनाए हैं, इसी तरह आपने यहाँ भी मस्ट हैव यूज करके 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके अम्मी चुप करो, अम्मी चुप कर। स्टूडेंट्स ये आपको अबव में सेंटेंसेस मेंशन किए गए हैं, आपने इन सेंटेंसेस को नेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, आई मीन ट्रांसलेट उर्दू। आफ्टर हियरिंग द मर्चेंट स्टोरी, ताजर की कहानी सुनने के बाद, मर्चेंट मीन ताजर, द हेडमैन आस्क्ड, सरदार ने पूछा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, दूध पीने के बाद, ही वेंट टू द बेड, वो सोने के लिए लेट गया या वो बेड के पर चला गया। आफ्टर पुटिंग ऑन द शूज, जूते पहनने के बाद, ही स्टार्टेड टू रन, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। स्टूडेंट इसी तरह ये आपको 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने इन 8 सेंटेंसेस को एक्सप्लेन या ट्रांसलेट करना है इन नेशनल लैंग्वेज, इन टू योर नेशनल लैंग्वेज। आफ्टर ड्रॉपिंग द गन, बंदूक गिरने के बाद, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वो दरख्त पर चढ़ गया। आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज, वर्जिश करने के बाद, ही टुक सम रेस्ट, उसने कुछ आराम किया। आफ्टर फ्राइंग ऑन एग, अंडा तलने के बाद, ही मेड सैंडविच, उसने सैंडविच बनाए। आफ्टर जंपिंग ऑफ द ब्रिज, पुल पर से छलांग लगाने के बाद, आफ्टर मीन बाद, ही स्टार्टेड टू स्विम, उसने तैरना शुरू कर दिया। आफ्टर शूटिंग चीखने चलाने के बाद, ही थ्रू अ स्टोन एट द डॉग, उसने कुत्ते पर पत्थर फेंका। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल आप कौन से सेंटेंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस हैं कौन। जीरो कंडीशनल सेंटेंस, द जीरो कंडीशनल सेंटेंस यूजेस इफ और व्हेन एंड मस्ट बी फॉलोड बाय द सिंपल प्रेजेंट और इम्पेरेटिव। स्टूडेंट्स जीरो कंडीशनल सेंटेंस वो हैं जो यूज हों इफ और व्हेन से, मीन आई मीन के स्टार्ट हों इफ और व्हेन से, एंड सिंपल प्रेजेंट और इम्पेरेटिव। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हो और इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मीन आस्क, वी आस्क क्वेश्चन कंसेक्टिवली,
इम्पेरेटिव वो सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, और जीरो कंडीशनल सेंटेंस हैं वो ये सेंटेंस हैं, उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो स्टार्ट हों इफ और वेन से एंड सिंपल प्रेजेंट हों और इम्पेरेटिव हों. ओके, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ये स्टूडेंट्स लुक एट दिस. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द बॉक्स. ये आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, गेट, हैव, रेन, हेल्प, डू, हैव नॉट, गोट, नॉट, वर, गेट. अब ये कंडीशनल जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस दिए गए हैं. स्टूडेंट आप ये देख भी सकते हैं, फर्स्ट वन इज इफ. स्टार्ट कहाँ से है? इफ से. तो ये कौन सा भी सेंटेंस होगा? जीरो कंडीशनल. इफ यू टर्न ऑन अ लाइट बल्ब, इट डैश हॉट. तो स्टूडेंट्स इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इफ यू टर्न ऑन अ लाइट बल्ब इट डैश हॉट, इट गेट्स, आई मीन गेट्स. इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? गेट्स या गेट. इफ स्टूडेंट्स डू नॉट वेयर द स्कूल यूनिफॉर्म, द टीचर सेंड्स देम होम. नेक्स्ट, If Robert has not good, have not good his pen, I let him mine. If my wife cooks the meal, I do the washing up. फाइव जो सेंटेंस है देख सकते, ये देख लें. माई पेरेंट्स डू नॉट गिव मी पॉकेट मनी इफ आई डू नॉट डैश दैम, इफ आई डू नॉट हेल्प दैम. नंबर सिक्स, प्लांट्स डू नॉट ग्रो इफ इट डज नॉट रेन. जब तक बारिश ना हो प्लांट ग्रो नहीं करते, या जब तक उनको पानी ना दिया जाए. नंबर सेवन इज We usually have lunch outside if the weather is fine. Number eight is I get very hungry if I play football after school. Okay, next composition, essay, Qaid-e-Azam, our leader. Okay, let's start. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was on 25th December 1876. एट कराची. कायद आज़म मोहम्मद अली जना 25 दिसंबर को 1876 को कराची में पैदा हुए. हिज फादर पोंजा जना वाज अ रिच मर्चेंट. इनके फादर जो थे वो पोंजा जना थे और एक अमीर ताजर थे. मर्चेंट मीन ताजर. कायद आज़म गॉट हिज अर्ली एजुकेशन एट कराची. कायद आज़म ने अब्तदाई तलीम अपनी कराची से हासिल की. दैन फिर ही वेंट इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चले गए फॉर हायर स्टडीज़ ऑफ ला, कानून की तलीम हासिल करने के लिए, आला तलीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए. कायद आज़म ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस. कायद आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया की आज़ादी के लिए. इंडिपेंडेंस मीन आज़ादी. बट ही फेल्ट, फिर लेकिन इनको महसूस हुआ, दैट ही वॉज वर्किंग फॉर हिंदू राज, वो हिंदू राज के लिए काम कर रहे हैं. सो ही लेफ्ट द कांग्रेस, और उन्होंने वो कांग्रेस छोड़ दी. एंड ज्वाइंट द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द मुस्लिम. और किस लिए वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की? फॉर द राइट ऑफ द मुस्लिम. एट लास्ट ड्यू टू द सिंसियर, आखिरकार वो मुखलिस एंड एंथोसियास्टिक मीन्स पुरजोश, सिंसियर मीन मुखलिस, मुखलिस और पुरजोश एफर्ट्स कोशिशों से वी गॉट रिड ऑफ द जुआ ऑफ स्लेवरी एंड पाकिस्तान केम इन टू बींग 14th August एंड 1947. आखिरकार उन्होंने मुखलिस और पुरजोर कोशिशों से गुलामी के जुए को मतलब के छोड़ दिया, नजात हासिल करके पाकिस्तान आज़ाद कर दिया. पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आज़ाद
करवा दिया। ये डाइट ऑन 11 सितंबर 1948, और उनकी डेथ जब हुई थी वो 11 सितंबर 1948 को ही। ही वॉज बरिड, बरिड मीन दफनाना, इन कराची, इनको कराची में दफनाया गया। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के एक अजीम रहनुमा हैं। मे हिज सोल लिव इन पीस, इस मीन अमन। ही इज द फादर ऑफ आवर नेशन, ही इज द हीरो ऑफ द नेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।